ड्राइंग रूम है मरकरी, तो राहु मरकरी कॉम्बिनेशन उसका क्या फल होगा। ड्राइंग रूम में ही आपका पूजा घर है वो क्या है, गुरु, तो ड्राइंग रूम है बुध और पूजा घर है गुरु, तो बुध गुरु कॉम्बिनेशन उसका फल क्या होगा। तो बहुत वास्ट है ये, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वास्तु एक ऐसी प्राचीन विद्या जिसे आजकल अंधविश्वास बनाया जा रहा है। वास्तु के नाम पर अजीबोगरीब उपाय बताए जा रहे हैं जिनका कोई तर्क नहीं है। आइए 25 सालों से अधिक समय से वास्तु व अन्य ज्योतिषीय विद्याओं को पढ़ने और पढ़ाने वाले, सन 2000 में पहली बार वास्तु शास्त्र पर कोर्सेज शुरू कर अब तक लगातार आपका मार्गदर्शन करने वाले, वास्तु शास्त्र पर दो प्रसिद्ध किताबों के लेखक और भारतीय विद्या भवन में वास्तु न्यूमेरोलॉजी और पामिस्ट्री के प्रोफेसर आचार्य अश्विनी कुमार बंसल जी के शब्दों में जाने, वास्तु का सही अर्थ, वास्तु और ज्योतिष का सह संबंध और इसकी उपयोगिता। नमस्कार, अगर कोई आपके घर को देखकर ये कहे कि इस घर में जो भी कमाई होगी, घर के लोग जो भी कमाएंगे सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और कितनी ही कमाई कर लो लेकिन खुशियां नहीं मिलेंगी, और धीमे धीमे वो मकान किसी और का हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा हो तो आपको रियली हैरानी होगी। या फिर कोई ये कहे आपके ड्राइंग रूम को देख के कि इस घर में रहने वाले खासकर हेड ऑफ फैमिली और लड़के वो बहुत ही बुद्धिमान होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे और सभी लोग उनको पसंद करते होंगे, और रियली ऐसा है भी, तो फिर से आपको बहुत हैरानी होगी। लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ये बेसिकली वास्तु शास्त्र की एक ब्रांच है एस्ट्रो वास्तु, उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके बताया जाता है, बताया जा सकता है बड़े इजीली। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, घर की जो हर स्पेस है उसको ज्योतिष में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्रहों में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह ऐसे समझिए मेन डोर जो है वो है राहु और बैक डोर है केतु, वो अगर आमने सामने है बिल्कुल, जो कि नहीं होने चाहिए, जिस तरह हमारा मुंह है वो राहु है और हमारा गुदा मार्ग वो केतु है, अगर वो आमने सामने होता जो हम खाते वो सब निकल जाता। लेकिन अब आपको पता है ना कि फूड पाइप है, फिर जठर है हमारा पेट और पाचन तंत्र है पूरा, इतनी बड़ी आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, उन सब में से प्रोसेसिंग होके फिर जो निकृष्ट है वेस्ट है वही बाहर निकलता है, और इसी तरह घर में होना चाहिए, वही प्रिंसिपल इसमें लगा दिया। फिर जो ज्योतिष में एक बुध आदित्य योग होता है जो लर्निंग के लिए, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, बुध आदित्य, बुध यानी बुध और आदित्य यानी सूर्य। तो आपके घर में बुध क्या है, ड्राइंग रूम, बातचीत करने की जगह, बुध का सीधा रिलेशन कम्युनिकेशन से है, और आदित्य सूर्य तो आपके घर की राइट विंडो, विंडो से क्या लाइट आती है, दरवाजा तो बंद हो जाता है, तो वो हो गई सूर्य। तो अगर आपके घर की दाहिनी विंडो खिड़की ड्राइंग रूम में खुलती है तो दाहिनी विंडो हो गई सूर्य, ओके, और ड्राइंग रूम है बुध तो ये हो गया बुध आदित्य योग। तो आप इस तरह से घर को ठीक करके अपनी कुंडली को भी ठीक कर सकते हो। आप मानो कुंडली में बुध आस्था है या 6, 8, 12 भाव में है, राशि मंगल की हो, जिसको कि बुध बढ़िया नहीं मानता, बुध की मंगल के साथ इतनी अच्छी मैचिंग नहीं है, या सूर्य शत्रु राशि में है, शुक्र या शनि की राशियों में, तो बुध आदित्य योग इतना अच्छा फल नहीं दे पाता। तो यहाँ पर अपने ड्राइंग रूम और उसकी खिड़की को सही करके आप, या स्टडी रूम है वो भी बुध है, आप ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं, और ये एकदम क्लासिकल रेमेडी है, आजकल की तरह नहीं है कि आजकल के जो वास्तुशास्त्री हैं सो कॉल्ड, उनसे अगर पूछेंगे ना आप उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वास्तु में, कोई उन्होंने किताब नहीं लिख रखी, कोई उनके पास लॉजिक नहीं है, बड़े अजीबो गरीब उपाय बता रहे हैं, कोई तो हरी नीली पट्टियाँ चिपकवा रहे हैं, कोई कहते हैं जी पिरामिड गाड़ दो या चिपका दो दीवार पे, कोई आर्टिकल्स रखवा रहे हैं पर्टिकुलर जगह जगह पर, भागते हुए घोड़े, बत्तखें, लाफिंग बुद्धा, कोई कह रहे जी टॉयलेट सीट यहाँ नहीं यहाँ कर दो इसको हटा के, बेड की पोजीशन चेंज करवा रहे, कोई लॉजिक नहीं है उनके पास,
मेरे पास बहुत से इस तरह इन लोगों के मारे हुए आते हैं, पिछले 23 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। पूछते हैं जी इसका लॉजिक क्या है, मैं कहता हूँ भाई जिसने बताया उससे पूछो, मैंने तो नहीं बताया ना, मुझे क्या पता क्यों बताया उसने, कोई लॉजिक नहीं। इन चीज़ों का उल्लेख मैं ये बता रहा हूँ आपको, वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट कोई भी उठा के देख लेना आप, किसी में इनका उल्लेख नहीं है कि ये जी हरी नीली पट्टियाँ चिपका दो। क्या फर्क पड़ना इनसे, केवल वहम डाला जा रहा है। घर को लोगों ने अजायब घर बना लिया है, जाते पता चल जाता है इन्होंने ये उपाय किए होंगे। मतलब कई बार तो लुक ऐसे लगता है जिस तरह नाई की दुकान हो, अच्छे भले घर का नाश मार दिया लोगों ने। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ, बताइए क्या लॉजिक है आपके पास, कौन सा क्लासिकल टेक्स्ट रेफर कर रहे हो आप, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कौन सा आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है आपने, क्या मकान के मामले में आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कौन से आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, इन पर कोई रिसर्च हुई है, कोई स्टडी हुई है, ये जो आप रेमेडीज बता रहे हो कि इनका इफेक्ट, पहली बात तो इनका लॉजिक क्या है, दूसरा इनका इफेक्ट, उस पर कोई स्टडी हुई है, आपने 1000 लोगों को बता दिया, 1-2 को उसका इफेक्ट आ गया, वो अपनी उसकी किस्मत की वजह से आया या अपने कर्मों की वजह से आया या दूसरी और वजहों से आया, उसको उठा के भुनाना शुरू कर देंगे। तो ये सब छोड़िए, ये सब वहम फैला रहे हैं, ये राहु इफेक्ट है, नेगेटिव राहु, वो भी तो सीधा सा है, 9 ग्रह ज्योतिष में, ज्योतिष का ही पार्ट है। ज्योतिष जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें ही आता है वास्तुशास्त्र, ज्योतिष है 9 ग्रहों का हम पर प्रभाव और वास्तुशास्त्र है इस धरती का हम पर प्रभाव, जो ज्योतिष में नहीं लेते। तो धरती वास, वस धातु से वास्तु बना है, रहने का शास्त्र। तो जो हमारा ये कोर्स होगा एस्ट्रो प्रेडिक्टिव वास्तु, इसमें हम 9 ग्रहों से कोरिलेट करेंगे घर के हर एक स्थान को, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, फ्रंट डोर, बैक डोर, खाना खाने की जगह, खाना पकाने की जगह यानी किचन, उन सबको ज्योतिष की भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर उनके योग बनाएंगे। जिस तरह ज्योतिष में बनते हैं द्विग्रह योग, त्रिग्रह योग, चतुर्ग्रह योग, और फिर इस तरह से प्रेडिक्शन किया जाएगा। और इसके पीछे बेस है कुछ पुराने, बहुत पुराने क्लासिकल टेक्स्ट, वो हम लेंगे और ज्योतिष अप्लाई करेंगे इसमें। आजकल बिल्कुल आइडियल वास्तु के प्रिंसिपल लगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जो दिशाएं हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इतनी हैविली पॉपुलेटेड है सिटीज़। तो इसके लिए जो बिल्डिंग साइंस में या आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है ना, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, उसको अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हो आप। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के रिलेटिवली पोजीशन रखी जाती है स्पेसेस की। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ड्राइंग डाइनिंग, कि ड्राइंग रूम के साथ में डाइनिंग रूम हो, जनरली करते भी ऐसे, ईजी हो जाता ना बिल्कुल एक्टिविटी। फिर टॉयलेट बाथ आसपास हो या कंबाइंड है, फिर किचन एंड डाइनिंग, किचन है मान लो, वास्तु में भी कहा है साउथ ईस्ट में किचन, उसके साउथ की तरफ डाइनिंग, खाना खाना। इस तरह मेन डोर के पास ड्राइंग रूम हो, बेडरूम के साथ में टॉयलेट हो, इस तरह से है ना। तो ये स्पेसेस जो हैं जहाँ यूटिलिटी आपने एक एक्टिविटी के साथ दूसरी जुड़ी हुई है, इस चीज़ को आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में भी लिया जाता है, इसी को हम यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु कोर्स में भी लेंगे। कि अगर रसोई क्या है, मंगल, खाना पकाना, तो डाइनिंग क्या है, खाना खाना, तो वो शुक्र भी है या शनि भी है, ठीक है। तो इनका कोरिलेशन क्या होगा, उसके क्या फल मिलेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा ये साथ साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फिर वास्तु का एक क्लासिकल टेक्स्ट है वास्तुमंडनम, वास्तुमंडनम के 5वें अध्याय का 1 श्लोक है, यस्याम दिशि पुरो द्वारम ताम प्राचीम प्रकल्पयेत, जिस भी दिशा में दरवाजा हो, पुर यानी शहर,
शहर का भी जिस भी दिशा में दरवाजा हो उसको ईस्ट मान लो और अकॉर्डिंगली अलाइनमेंट कर दो सारा, कि जो भी आपका दरवाजा है घर में भी ये अप्लाई कर सकते हैं हम, कि दरवाजा जहां पर भी है उसके पास में ही ड्राइंग रूम। फिर ड्राइंग रूम के इनर लेआउट करेंगे ये ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, कि ड्राइंग रूम का मेन डोर है वो राहु, ठीक है ना, और ड्राइंग रूम है मरकरी, तो राहु मरकरी कॉम्बिनेशन उसका क्या फल होगा। ड्राइंग रूम में ही आपका पूजा घर है वो क्या है, गुरु, तो ड्राइंग रूम है बुध और पूजा घर है गुरु, तो बुध गुरु कॉम्बिनेशन उसका फल क्या होगा। इस तरह से तो बहुत वास्ट है ये, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस कोर्स में हम प्रश्न वास्तु ये भी सिखाएंगे। प्रश्न वास्तु, प्रश्न ज्योतिष जो है हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी जिसे कह देते हैं, वो एक स्पेशल विधा है ज्योतिष की, पार्ट है, जिसमें कोई पृच्छक आपसे प्रश्न पूछता है, उसकी कुंडली भी नहीं है, जब वो प्रश्न पूछता है तो उस वक्त की कुंडली बनाई जाती है। समझो एक जैसे बच्चे का जन्म हुआ, प्रश्न का जन्म हुआ, और उसके हिसाब से उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। तो इसमें हम वो वाली विधा को यहाँ पर लगाएंगे तो उस वक्त की कुंडली बनाई जाएगी। कोई आता है आपसे पूछता है कि जी एक मैं मकान देख के आया हूँ, वो मैं बुक करूँ या ना, मैं वो परचेज करूँ या नहीं करूँ, वो मेरे लिए शुभ रहेगा या नहीं, तो आप उस वक्त की कुंडली बना के स्पेशल योग बनेंगे उसमें, वो हम आपको बताएंगे। उसे एकदम से आप बता सकते हैं विद इन 2 मिनट्स कि वो उसके लिए शुभ होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर आप साइट पे जाके, अगर आप चाहते हैं साइट पे जाया जा सकता है, वहाँ का वास्तु देखा जा सकता है, लेकिन प्राइमा फेसी प्रश्न कुंडली से बताया जा सकता है। फिर वो पूछता है कि जी उसके इर्द गिर्द क्या होगा, रोड किधर है, खंबा किधर है, कोई आसपास वाटर बॉडी है, मंदिर है, आप बता सकते हो। फिर पानी वहाँ अगर बोरिंग करवानी है किस दिशा में मिलेगा, कितनी गहराई पे मिलेगा, पीने लायक होगा या नहीं होगा। फिर शल्य दोष, नेगेटिविटी जमीन में कोई भी है या नहीं है, कहाँ पर है, कितनी गहराई पर है, ये सब बातें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में। फिर कई बार लोग पूछते हैं मकान के योग आ रहे हैं नहीं, मकान कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो भी सब हम इसमें कवर करेंगे। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ ये कोर्स करने के लिए। आप में जो भी इंटरेस्टेड हैं हमारे दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अभी 12 अगस्त से हम ये कोर्स शुरू करने वाले हैं। इसमें जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएंगी। जो बुक्स हम रेफ़र करने वाले हैं या कुछ हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है वो सब भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। हफ्ते में एक दिन क्लास होगी शनिवार को शाम को 5 से 7, वो 7 से 7:30 तक भी चल जाती है, लेकिन कम नहीं होगी उससे। और वीकडेज में आप मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं या दिल्ली में ही रहने वाले हैं वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं, कोर्स के ड्यूरेशन में भी और उसके बाद भी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कोर्स में। धन्यवाद।